मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करते हैं नायलॉन के बारे में, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, जो सेकेंड सिंथेटिक फाइबर का टाइप है वो है नायलॉन। तो नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन एक दूसरा या फिर अनदर मैनमेड फाइबर है जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. जो नायलॉन है वो 1931 में बनाया गया, 1931 में बनाया गया, और इसके निर्माण में हम लोग किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का उपयोग नहीं किए। मतलब हम लोग डायरेक्ट प्लांट या फिर एनिमल से जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए उसे हमने डायरेक्ट नहीं लिया नायलॉन के निर्माण के लिए। तो इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोयल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इसके निर्माण में हमने कोयल को लिया। आपको पता ही होगा कोयल जो है वो भी मैनमेड है। कोयला जो हम निर्माण करते हैं लकड़ी को जला करके फिर बुझा देते हैं, तो उससे हमें कोयल की प्राप्ति होती है। एंड वाटर एंड एयर तो हम नेचुरल हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है इसको बनाने में नायलॉन को, वो प्लांट और एनिमल से डायरेक्ट नहीं लिया गया है। ओके, वो नेचुरल से लिया गया है। तो जो हमारा नायलॉन है वो पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर है। मतलब इसके निर्माण में हमने कोई भी प्रकार की नेचुरल रॉ मटेरियल का उपयोग नहीं किया, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो। और इसका निर्माण 1931 में किया गया था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रांग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर, उसमें एक खूबी है कि बहुत मजबूत होता है, और इलास्टिक मतलब लचीला होता है और हल्की होती है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। यह लस्ट्रस भी होती है और धोने में आसानी भी होती है नायलॉन के फाइबर को या फिर जो फैब्रिक होते हैं उनको। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसके गुण की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट की वजह से, इसका उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा, क्योंकि जो नायलॉन होती है वो काफ़ी मजबूत भी है, लचीला भी है, एंड इसको धोने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है, एंड ये लाइट भी है, हल्की भी है। इसीलिए जो नायलॉन है वो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए, लोगों के बीच काफ़ी उपयोग में आने लगी। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, जैसे सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, इट इज। आप जितना भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, लाइक सॉक्स मतलब मोजा, रोप्स मीन्स रस्सी, टेंट्स टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस जो पर्दा होता है, ये सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, आर्टिकल्स देख रहे हैं, वो नायलॉन के द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब ये सारे को बनाने में हम लोग नायलॉन की हेल्प लेते हैं, नायलॉन फाइबर की हेल्प लेते हैं। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन है स्टील वायर। जो नायलॉन है उसको हम लोग पैराशूट एंड पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी होती है उसको बनाने में हम लोग नायलॉन की हेल्प लेते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि जो नायलॉन होती है वो स्टील वायर से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसका हम लोग रॉक क्लाइंबिंग रॉप के लिए एंड पैराशूट के निर्माण के लिए हम लोग इसका उपयोग लाते हैं। क्योंकि जो नायलॉन थ्रेड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इलास्टिक एंड लाइट है। ओके, मतलब ये जो नायलॉन है वो स्टील वायर से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए हम लोग पहाड़ पे चढ़ने के लिए या फिर बहुत ऊंची इमारतों पे चढ़ने के लिए किसी वजह से कहीं घर में आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी के द्वारा हेल्प से, अगर कहीं कोई साधन नहीं होता है तो हम लोग रस्सी की हेल्प से उस रूम में या फिर जहाँ भी हमें पहुँचना होता है हम पहुँचते हैं। तो जो रॉक है, जो रॉप्स है वो नायलॉन की बनी हुई है, और जो रॉप्स है वो नायलॉन की बनी हुई है। और आपको मैं बता दूँ कि जो नायलॉन होती है वो स्टील वायर से भी कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। सो हमारे जो हमारा थर्ड टाइप्स है वो है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक इज सिंथेटिक फाइबर, मैनमेड फाइबर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर का दूसरा रूप है। एंड फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। जो इसका फैब्रिक होता है, जो इसका कपड़ा होता है पॉलिस्टर का, वो सिकुड़ता नहीं है। ओके, जल्दी वो सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। ये जो हम मतलब कपड़ा है वो चमकदार बना रहता है, इसे धोने में हम लोग को आसानी होती है। ट्रेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। जो पॉलिस्टर है उसका पहला टाइप है ट्रेलिन। मतलब ट्रेलिन पॉलिस्टर का एक टाइप है जो काफ़ी फेमस है, लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, इसका उपयोग हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। पेट, जो सेकेंड हमारा टॉपिक है वो है पेट। एंड पेट होता क्या है, तो
पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट, ये जो सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिस्टर है, इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. ये पॉलिस्टर का बहुत फैमिलियर फॉर्म है. ये जो फेट है वो काफ़ी, इसका भी उपयोग हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. जो हमारा पेट है इसका उपयोग हम लोग बोतल को बनाने में, यूटेंसिल्स को मतलब बर्तन को बनाने में, फिल्म, तार और बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट हैं जिसका हम लोग बनाने में उपयोग करते हैं. पॉलिस्टर, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉलिस्टर जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है. पॉलीजोस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. आपको पहले ही बताया था कि जो पॉलीमर होती है वो उसका, उसमें क्या होता है कि पॉलीमर जो है दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ, पॉली एंड मर, और पॉली का मतलब होता है मेनी, तो यहाँ भी पॉली का मतलब मेनी. ओके, और एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है, तो जो पॉलिस्टर है वो बहुत सारे एस्टर सब्सटेंस के मतलब केमिकल सब्सटेंस जो है वो स्मॉल यूनिट है, वो एस्टर है, और उसके काफ़ी एस्टर के रिपीटिंग यूनिट को हम लोग पॉलिएस्टर कह रहे हैं. इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो एस्टर है वो केमिकल सब्सटेंस है और उसको हम कॉपीट करके हम लोग पॉलिएस्टर का निर्माण करते हैं, इसलिए हमने इसका नाम पॉलिएस्टर रखा. पॉली मतलब मेनी एंड एस्टर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच मेक पॉलिएस्टर. Esters are the chemicals which give fruits their smell. Ester होता क्या है, जो एक केमिकल सब्सटेंस ester है जिसका निर्माण हम लोग पॉलिस्टर को बनाने में करते हैं. तो ester है क्या, तो आपको जो फलों से सुगंध मिलती है, जो फलों से मीठी मीठी सुगंध मिलती है, वो जो जनरली वो सामान्यतः ester होती है. मतलब अगर हम किसी फ्रूट को स्मेल करते हैं, महकते हैं, तो उससे हमें मीठी सुगंध आती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें एस्टर प्रेजेंट है, उसमें एस्टर नाम का केमिकल प्रेजेंट है, और इसी का उपयोग हम लोग पॉलिएस्टर के निर्माण में करते हैं. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट. इट इज जो फैब्रिक्स हैं जो हमारे बाजार में मिलते हैं पॉलिएस्टर से जुड़े हुए, वो पॉलीकॉट, पॉलीवुल और या फिर टेरिकॉट के नाम से जाना जाता है. मतलब ये सारे टाइप्स हैं कपड़ों का जो हमारे बाजार में प्राप्त होते हैं. अगर आप पॉलीकॉट कहते हैं तो आपको अलग कपड़ा मिलता है, पॉलीवुल कहते हैं तो वो पॉली अलग मिलता है, टेरिकॉट कहते हैं तो अलग आपको कपड़ा मिलता है. एज द नेम सजेस्ट दिस आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. आपको इन नामों से पता चल रहा होगा कि इन के नामों में दो टाइप के फाइबर जुड़े हुए हैं, मतलब ये दो फाइबर से मिलकर के बने हुए हैं. पॉलीकॉट इज अ मिक्सर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. जो पॉलीकॉट होता है वो पॉलिस्टर एंड कॉटन के मिक्सर से बनते हैं. मतलब अगर आप बाजार में जाते हैं, आप कहते हैं कि पॉलीकॉट हमें कपड़ा चाहिए, तो आपको पॉलिस्टर एंड कॉटन दोनों मिक्सअप किए हुए कपड़ा प्राप्त होगी. पॉलीउल इज अ मिक्सर ऑफ पॉलिस्टर एंड उल. जो पॉलीउल है वो पॉलिस्टर एंड उल के मिक्सर से बना हुआ है. एंड वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. Many of these are actually not made from natural wool, thus they appear to resemble wool. जो आप बाजार में जाते हैं ब्लैंकेट्स खरीदने, सॉल्स खरीदने, स्वेटर खरीदने, तो वो असली में नेचुरल ऊन से नहीं बने होते. वो दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक. जब आप बाजार में जाते हैं स्वेटर्स एंड शॉल्स या फिर जो ब्लैंकेट्स हैं उनको खरीदने के लिए, तो वो जो है वो नेचुरल ऊन से सीधे नहीं बना हुआ है. एक्चुअली वो क्या होते हैं कि नेचुरल ऊन से नहीं बने होते, वे अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है जिसका नाम एक्रिलिक है, वो उससे बने होते हैं. ओके, जो हम बाजार में शॉल खरीदने जाते हैं, ब्लैंकेट या स्वेटर जो आप पहन रहे हैं अभी, वो नेचुरल उल का बना हुआ नहीं है, वो एक्रिलिक के द्वारा बना हुआ है. एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर है जिसे हम लोग इन सारी चीज़ों को बनाने में मदद लेते हैं, इन सारी चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है एक्रिलिक का. स्वेटर एंड शॉल एंड ब्लैंकेट्स जो भी आप देख रहे हैं जो विंटर में यूज़ किए जाते हैं, ये सारे कपड़ों को बनाने में एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है. व्हेन यू वर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स. अगर आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो आपको नेचुरल फाइबर के बिहेवियर से काफ़ी अलग दिखेगा, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होती है उसकी जो दुर्गंध होती है वो नेचुरल फाइबर से अलग होती है. अगर वो जिस प्रकार जलता है वो नेचुरल फाइबर से अलग प्रकार से जलता है. मतलब अगर आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो नेचुरल फाइबर के जलने के जो प्रोसेस होती है वो उससे काफ़ी अलग दिखेगी, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर होती है वो हम लोग नेचर के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से तो हम लोग केमिकल के द्वारा बना रहे हैं, बनाया जा रहा है, तो उससे हमें यही पता चलेगा ना, तो उससे हमें तो अलग ही बिहेवियर दिखने को मिलेगी नेचुरल फाइबर से.
सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, जो सिंथेटिक फाइबर होता है जितना भी आपने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, वो उसे अगर जैसे ही हीट दिया जाता है वो मेल्ट होना शुरू कर देते, पिघलना शुरू कर देते। तो यही एक जो कि ये हानि है वो है कि वो हीट पाती वो मेल्ट होने लगता है। इसलिए हमें अक्सर कहा जाता है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमें इन सारे चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें कॉटन या फिर जो नेचुरल के द्वारा हमने कपड़ा बनाया जाता है उसका उपयोग करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब किसी कारणवश किसी घटनावश अगर किचन में आग लग जाती तो वो हमारे कपड़ा में नहीं लिपटे और ना ही हीट होकर के मेल्ट होने लगे या फिर हमारे बॉडी से पकड़ के नहीं जले। इसलिए हमें कहा जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं तो पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन या फिर एक्रेलिक टाइप के कपड़े नहीं पहन करके खाना बनाएं, आप कॉटन का ही कपड़ा पहन करके खाना बनाएं, क्योंकि इससे अगर आपको अगर आग भी लगती है तो ये नेचुरल फाइबर जो होता है वो प्राप्त करते ही मेल्ट नहीं होने लगता, वो आपके बॉडी से चिपक करके नहीं जलने लगता। लेकिन जब सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे उसे हील्ड मिलती है वो मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है और आपके बॉडी से सट जाती है, चिपक जाती है, जिससे क्या हो सकता है कि आग जब लगेगी तो आपको बहुत हानि हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी खाना बनाएं या फिर जो फायर ब्रिगेड होती है उनके कपड़े काफ़ी खासियत होती है, वे जो होते हैं वो नेचुरल फैब्रिक के द्वारा ही बनाया जाता है, वो सिंथेटिक फैब्रिक के द्वारा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो हीट प्राप्त करते ही मेल्ट होने लगते हैं। ओके, दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यही एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का कि हीट प्राप्त करते ही वो मेल्ट होने लगते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाई अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ओके, जो बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक फाइबर हैं जो पेट्रोलियम ओरिजिन के रॉ मटेरियल के द्वारा बनाया जाता है, जो पेट्रोलियम माइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम को निकालने की माइनिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे ओरिजिन होते हैं, उनके में काफ़ी ज़्यादा ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में उपयोग लाए जाते हैं, तो इसे हम लोग पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं, हम अपना तीसरा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टर क्या है, गुण क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दे ड्राई अप क्विकली और ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रूडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। जो सिंथेटिक फाइबर है उसका यही गुण है कि ये हमें इनके जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और काफ़ी दिन तक टिकाऊ भी होते हैं और कम खर्चीला भी होते हैं और हर एक जगह मिल भी सकता है आपको ये सारे कपड़े। आपको पता ही होगा कि जो पॉलिस्टर का कपड़ा था वो आप जैसे आप किसी भी बाजार में, आप किसी भी दुकान में आप उसे खरीद सकते हैं। ओके, और इसे मेंटेन करने में भी इजी होती है, इसके जो बनाने में जो सिंथेटिक फाइबर किसी का जो सिंथेटिक फाइबर है उसको बनाने में भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, ये इजी होती है। ओके, तो जो ये सारे जो आपने कैरेक्टर्स देखा वो सिंथेटिक फाइबर के थे कि वे जल्दी सूख जाते हैं, वे टिकाऊ होते हैं, कम पैसे में हम लोग उसे खरीद सकते हैं एंड वे हर एक जगह उसे हम लोग हर एक जगह से खरीद सकते हैं, कहीं भी बाजार से किसी भी दुकान से हम लोग सिंथेटिक फाइबर को खरीद सकते हैं। और मैं बता दूँ कि आजकल जो भी दुकानों में कपड़ा मिल रहा है वो सिंथेटिक फाइबर ही हम लोग खरीदते हैं, काफ़ी कम ही ऐसे दुकान होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स फैब्रिक्स को रखे हुए होते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं उसके दाम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं उसके दाम, तो जिसके कारण जो आम जनता है, जो नागरिक है, वो खरीद नहीं पाते महंगी होने के कारण, तो वो सिंथेटिक फाइबर का ही यूज़ करते हैं। और बाज़ार में आपको सिंथेटिक फाइबर देखने को ही मिलती है, प्योर कॉटन या फिर प्योर वूल आपको नहीं देखने को मिलती, वे सब रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर के रूप में ही आपको प्राप्त होती है, जो एक सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है।